नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों DRDO सेप्टम 10 टेक्नीशियन ग्रेड ए का रिजल्ट आ ही गया है। आप सब बच्चों ने रिजल्ट तो देख लिया होगा। जिन बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन सब बच्चों को आगे के भविष्य के लिए उन सब बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछला मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा जो कट ऑफ है उससे इतना नंबर कम है, क्या मेरे चांसेस है, क्या दोबारा मेरे को लिया जा सकता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि मेरा इतना नंबर कम आ रहा है कट ऑफ से, तो क्या मेरे को उम्मीद करनी चाहिए क्या सर, क्या वेटिंग लिस्ट आई क्या सर, कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इस प्रकार के सवाल है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए स्किल टेस्ट के लिए, तो उन बच्चों का स्किल टेस्ट को लेकर के कई सारे सवाल है। तो यानी कि आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं DRDO सेप्टम 10 टेक्नीशियन ग्रेड ए आफ्टर रिजल्ट जो बच्चों के क्वेरिया, उन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। डिटेल में अपन बात करेंगे, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, पूरी पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मुझसे परमानेंट जुड़ने के लिए, सभी प्रकार की जॉब अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन वगैरह टाइम पे प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके रखी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बेहतर तैयारी करने के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हर संडे को टेक्निकल का बिल्कुल फ्री में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर टेस्ट होता है, तो अपनी तैयारी को परखिए, आगे की अपनी तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। कई बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि सर कितनी मेरिट बढ़ने वाले है, या फिर मेरे तो जो कट ऑफ है इससे बस इतने से नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मेरे को स्किल टेस्ट के लिए जाना चाहिए क्या, स्किल टेस्ट में जाने का क्या फायदा सर, कट ऑफ अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो मेरे तो कट ऑफ के बराबर ही नंबर है। उन सब बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें नंबर वन चीज के बारे में, स्किल टेस्ट के बाद में मेरिट वो कितनी बढ़ सकती है, मेरिट कितनी बढ़ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपका स्किल टेस्ट में अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया है ना, आपको स्किल टेस्ट के लिए जरूर जाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो अपन इस पे बात कर लेते हैं, मैं कट ऑफ बढ़ेगी इस प्रकार की चीजें बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चे निराश होंगे। देखिए, अगर आपको इस बार स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया ना, यहाँ पे क्या कि 8 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया गया, लगभग 1000 के आसपास में वैकेंसी थी, इसका मतलब ये है कि टोटल यहाँ पे 8000 बच्चों को बुलाया गया है। अगर आपका 8000 बच्चों के अंदर नाम आ रहे हैं ना, इस लिस्ट में आप शामिल हो रहे हो ना, तो आप एक आम स्टूडेंट नहीं हो, आप बहुत टैलेंटेड हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब आपको बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, आपके नंबर चाहे कितने ही आ रहे हो, इस बार सिलेक्शन हो या नहीं हो, तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए। इस बार अगर आप स्किल टेस्ट दे के आते हो तो अगली बार आप फाइनल सिलेक्शन के प्रबल दावेदार होंगे, आपके दिमाग से वो डर भी निकल जाएगा भी स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है। वैसे भी स्किल टेस्ट की तैयारी अभी जरूरी होगी, कंपल्सरी होगी, क्योंकि IT लेवल की बहुत सारी भर्तियों में स्किल टेस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो नंबर चाहे आपके कितने भी ज़्यादा हों, स्किल टेस्ट के लिए अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो तो फायदा इसी में है कि आपको स्किल टेस्ट देने के लिए जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ है वो स्किल टेस्ट के बाद में कितनी बढ़ सकती है। भी एग्जैक्ट तो स्किल टेस्ट होने के बाद ही अपने को पता चलेगा, लेकिन चैप्टर 9 के हिसाब से अपन थोड़ा सा हिसाब किताब अगर देखें तो अलग अलग ट्रेड की वजह से तो अलग अलग वेरी होने वाली है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी जो ओपिनियन है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर यहाँ तक कि 6 नंबर तक कट ऑफ हो बढ़ सकती है, यानी कि अराउंड 3 नंबर 4 नंबर के आसपास बढ़ सकती है, मैक्सिमम 6 नंबर तक भी जा सकती है, ठीक है। ये मेरी ओपिनियन है, बाकी तो देखिए जब स्किल टेस्ट के बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। चैप्टर 9 के हिसाब से अगर अपन देखें तो कुछ इसी आप से मेरे को आइडिया, उम्मीद मेरे को लग रही है। उसके बाद में एक चीज मेरे को और याद आ गई, जब रिजल्ट वाला मैंने वीडियो पब्लिश किया था ना, उस टाइम मैंने बताया था भी मेरिट है वो कितनी बढ़ सकती है। मैंने बताया था भी इस बार जो कट ऑफ है, देखिए कई कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी ऐसी है, 98 है, 97 है, 99 तक कट ऑफ हुई है, और उसके बाद बताया भी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तक कट ऑफ वो बढ़ सकती है। और मैंने बोला ये जो स्कोर है ये आपका परसेंटाइल स्कोर है, यानी कि ऐसा नहीं कि 120 नंबर में से जो 98 नंबर लेके आया उस बच्चे को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है। परसेंटाइल का मतलब यह था कि एक नॉर्मलाइजेशन का नया तरीका जो अभी रेलवे वगैरह यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। तो मान लीजिए कि 90 नंबर के पास में एक अनुमान है कि 90 नंबर के आसपास में जिन बच्चों का नंबर आ रहा था रो मार्क्स 120 में से,
लगभग उन बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। मेरा तो परसेंटाइल स्कोर से मतलब ये था, लेकिन एक तो बच्चे ऐसे भी जो कमेंट कर रहे थे कि सर आप परसेंटाइल स्कोर का बोल रहे हो तो फिर 4-5 नंबर बढ़ेंगे तो 100 से ऊपर थोड़ी जाएगी कट ऑफ। तो मेरा मतलब परसेंटाइल का एक नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले का, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे 100 के रेड लाइन लग गई उसके बाद में कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी। परसेंटाइल में 100 से ज़्यादा भी जा सकती है, कई केसेज में कई भर्तियों में ऐसा भी हुआ है कि जितने नंबर का पेपर होता है उससे ज़्यादा भी कट ऑफ जाती है ना, तो इस चीज़ को समझना आपको। उसके बाद में बात 8 गुना बच्चों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया। उसके बाद में जो बच्चे पूछते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट इसकी आने वाली है नहीं आने वाली, वैसे तो देखिए सिंपल सा सवाल है, आप बच्चों को पता होना चाहिए, फिर भी आपका काम था पढ़ाई करने का था, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना काम किया है। अब देखिए वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, भी 7-8 बच्चे जो इन्होंने लिए थे ना उनमें से ये क्या करेंगे भी एक बच्चे को सेलेक्ट करने वाली है, ठीक है, और 7 बच्चे होंगे उन बच्चों को ये बाहर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो 7 के 7 बच्चे हैं ये स्किल टेस्ट में डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ये स्किल टेस्ट में ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे लेकिन मेरिट ज़्यादा होने की वजह से, उनके नंबर कम होने की वजह से ये बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि किसी ट्रेड के अंदर जो बच्चे जो सीटें थी वो 100 वैकेंसी थी, उदाहरण एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए इलेक्ट्रिशियन में यहाँ पे 100 वैकेंसी थी, वेटिंग लिस्ट कब आती है जब बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। तो मान लीजिए कि इनमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो अब इन बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि दोबारा से जिन बच्चों के मान लीजिए कि 98 कट ऑफ गई है और जिन बच्चों के 97.90 नंबर है तो उन बच्चों को दोबारा से स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे और वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे DRDO में ये मतलब नहीं है, यानी कि ये जो 10 बच्चे बाहर होंगे ना, जिन बच्चों ने स्किल टेस्ट दिया है, जिन बच्चों ने स्किल टेस्ट को क्वालिफाई किया है, उन्हीं बच्चों को ये लेने वाले हैं। यानी कि अगर आपके इस बार अभी जो कट ऑफ है स्किल टेस्ट के लिए, इसमें आपके नंबर कट ऑफ से 0.01 ही अगर आपके नंबर कम रह गए हैं, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए आपको नहीं बुलाया गया, इसका सीधा सा मतलब ये है कि DRDO सेप्टम 10 टेक्नीशियन ग्रेड A की जो वैकेंसी है इसको भूल जाइए, आपको आगे की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हो गई, जिन बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिन बच्चों के कट ऑफ के बराबरी नंबर है फिर भी उन बच्चों को 8 गुना के अंदर बुलाया गया, तो प्रत्येक बच्चे को स्किल टेस्ट के लिए जाना चाहिए, आप बहुत टैलेंटेड हो, अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे अगर इस बार स्किल टेस्ट दे के आते हो तो स्किल टेस्ट वाला आपके दिमाग में डर नहीं रहेगा, फाइनल सिलेक्शन के आप प्रबल दावेदार होंगे, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आप अगर एक गुना में सेलेक्ट नहीं हो पाते हो फिर भी, जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़े थोड़े नंबरों से जो बच्चे रह गए हैं उनको अब DRDO सेप्टम 10 टेक्नीशियन ग्रेड से उन बच्चों को उम्मीद नहीं करनी है। DRDO की आपने अच्छी तैयारी की है तो अभी आगे चुनाव का माहौल है, चुनाव का साल है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप अपनी तैयारी उसको कंटिन्यू रखिए। हो सकता है ईश्वर ये चाहता हो कि आपको इससे भी अच्छी नौकरी मिले, नौकरी इससे भी अच्छी मिल सकती है। बहुत बार ऐसा होता है जो बच्चा कॉन्स्टेबल की मेरिट को क्वालिफाई नहीं कर पाता है वो बाद में सब इंस्पेक्टर बन जाता है, तो आपको उम्मीद लगा के रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो चाहे आपका सिलेक्शन हो रखा है चाहे आपका सिलेक्शन नहीं हो रखा हो, सही डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको पिन की हुई मिल जाएगी तो उसको भी आप सभी प्रकार की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।